हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हमारे साथ हैं अमरेंद्र सर। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और सर का CUT में ऑल इंडिया मतलब AKTU में 20 रैंक था और MMM में 10 रैंक था। सर ने इलेक्ट्रिकल ब्रांच लिया और यहाँ से अभी करेंटली थर्ड ईयर में हैं। तो आज हम इस वीडियो में CUT के बारे में जानने वाले हैं और अभी 1 महीने बाद उसका एग्ज़ाम है, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो सर, अभी 1 महीने बाद एग्ज़ाम बच्चों का आने वाला है CUT का, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे कि आपने भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे रैंक से एडमिशन लिया और तैयारी भी किया था सर, तो क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में? CUT का क्या है ना कि जैसे कि डिप्लोमा वाले बच्चे होते हैं, उनको क्या करना होता है कि तीन सब्जेक्ट जो है, उनको तीन सब्जेक्ट से पेपर देना पड़ता है। जनरली आपको अगर MMUT में एडमिशन लेना है SBTU में, तो हर कॉलेज का एक क्राइटेरिया होता है कि वो कौन से सब्जेक्ट से, पर्टिकुलर डोमेन सब्जेक्ट से जो है वो आपका चयन करेंगे। ठीक है, जैसे इस समय जो है तीन सब्जेक्ट्स की अनिवार्यता है। जैसे आपका हो गया मैथमेटिक्स हो गया, जिसमें कोर मैथ्स आपको पढ़ना है जो क्लास 12th के बच्चे पढ़ते हैं, दूसरा हो गया आपकी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और तीसरा जनरल टेस्ट। तो आपको ये तीन सब्जेक्ट तैयार करना होता है और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के साथ जो है ऑप्शनल होता है आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर, कि आप CS से भी देकर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन CS में क्या कि चैप्टर बहुत ज़्यादा हैं, कम से कम आपको 8 यूनिट 9 यूनिट पढ़नी पड़ती है, और जो बच्चे नॉन CS बैकग्राउंड के होंगे तो उनको दिक्कत होगी। लेकिन जो CS वाले भी हैं, अगर वो भी तैयारी करेंगे इसी चीज़ से, तो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको 8 यूनिट पढ़ना पड़ेगा। और वहीं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में क्या है कि 4 से 5 यूनिट पढ़कर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में चीज़ें क्या है, लिमिटेड है ना, नट का साइज़ कभी बदल नहीं सकता है ना, उसमें कोई भी क्वेश्चन आपसे चेंज नहीं कर सकते ना, बोल्ट के बारे में पूछ सकते हैं या फिर कोई प्रोजेक्शन होगा तो वो डायमेंशन कभी चेंज नहीं हो सकती है ना, तो वो फिक्स्ड है, बस आपको उसको पढ़ लेना है, समझ लेना है और MCQ की प्रैक्टिस कर लेना है, तो ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में क्या है कि जो क्लास 12th की मैथ बच्चे पढ़ते हैं है ना, यानी पूरी NCERT आपको पूरी की पूरी लगी होनी चाहिए, ढंग से पढ़ना चाहिए। लेकिन सिर्फ NCERT पढ़ने से काम नहीं चलेगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हर चैप्टर में जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैथ्स में, ठीक है, उन प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए। यानी कि तीन तरह से क्वेश्चन जो है आपके CUT के मैथ्स में बनते हैं। पहला एक तो प्रॉपर्टी बेस्ड, दूसरा डेफिनेशन बेस्ड और तीसरा एप्लीकेशन बेस्ड। तो आपको ये तीन चीज़ों पर बस काम करना है। अगर आप ये तीन चीज़ों पर काम कर लेते हैं तो मैथ्स में आप जो है 100% तक भी पा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं और क्या स्ट्रेटेजी लेकर आप चल रहा है, ठीक है। और वही बात करें जनरल टेस्ट में, तो क्या है कि जनरल टेस्ट में क्लास 8th का स्टैंडर्ड जो है रखा गया है NTA के द्वारा, बट आप मान के चलिए कि हाई स्कूल लेवल तक का जो है आपको स्टडी करनी चाहिए। अगर आप हाई स्कूल लेवल तक स्टडी करते हैं तो सफिशियंट है। जैसे अगर आप डिप्लोमा करके आ रहे हैं तो आप डिप्लोमा के साथ प्रिपरेशन किए होंगे, तो एक जनरल आपने कोई बुक खरीद रखी होगी, जैसे मान लीजिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की किताब खरीदी आपने, तो उसमें जो अर्थमेटिक है वो आप पूरी पढ़ डालिए है ना, यानी उस अर्थमेटिक में आप जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी पढ़ डालिए। जैसे मेंसुरेशन हो गया है ना, सर्किल ज्योमेट्री हो गई है ना, और पॉलीगन्स पे बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, और आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई बेसिक हाई स्कूल लेवल तक की, वो सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पढ़ लीजिए। उसके बाद आप बात करते हैं तो स्टैटिक GK थोड़ा बहुत आप कवर कर लीजिए, और जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं आपकी वो देख लीजिए, और जो हमारे बहुत पुराने जैसे लीडर्स वगैरह हमारे देश के हैं है ना, जो लीडर्स जिनकी डेथ हो चुकी है उनका समाधि स्थल वगैरह कहाँ है, वो सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, ठीक है। बेसिक हिस्ट्री और बेसिक ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, ज़्यादा आपको उसमें डीप नहीं जाना है हिस्ट्री ज्योग्राफी में, आप इंडिया के बारे में पढ़ लीजिए है ना, और आप थोड़ी बहुत हिस्ट्री में बेसिक सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह से चीज़ें रिलेटेड पढ़ लीजिए, ठीक है, थोड़ा बहुत मुगल काल का पढ़ लीजिए, बस आपको इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। बहुत अगर आप करना चाहते हैं तो क्लास 6 से लेकर क्लास 8th का स्टैंडर्ड जो है आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बुक उठाकर आप पढ़ लीजिए। पॉलिटी में आप ज़्यादा मत जाइए, पॉलिटी में बस आप ज़्यादातर इतना करिए लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ लीजिए, कितने सदस्य होते हैं वो पढ़ लीजिए, उसमें कितने एंग्लो इंडियंस वगैरह चुने जाते हैं वो सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए, वर्तमान में कितने सदस्य हैं, लोकसभा अध्यक्ष कौन है ना, जो सदस्य होते हैं वो उनको कैसे चुना जाता है या फिर वो किस तरह के सदस्य होते हैं उनके बारे में थोड़ा स्टडी कर लीजिए। इसके अलावा और कुछ करना नहीं होता इसमें, ठीक है, कितने सदस्य होते हैं, उनका कार्यभार क्या होता है, ठीक है, उनका चयन कैसे किया जाता है वो पढ़ लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो अपनी विधानसभा होती है उसके बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन कर लीजिए। तो ये इतनी चीज़ें सफिशियंट है जनरल टेस्ट के लिए। रीजनिंग वगैरह में बस आप ध्यान रखिए कि जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो आप पढ़ लीजिए, उससे काम चल जाएगा आपका, ठीक है, इसके अलावा कुछ करना नहीं होता। इसके अलावा जो उसमें कुछ करना नहीं रहता है, बाकी तो ग्राफिक्स वगैरह में चैप्टर काफ़ी अच्छे हैं, ग्राफिक्स को आप पढ़कर अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन बताइए सर। ये पूछ रहे हैं कि जैसे कि आपका रैंक इतना अच्छा था और आपने MMM ही क्यों चुना,
नहीं, असल में मेरा काउंसलिंग के समय में मुझे तीनों कॉलेज मिला था, GTU भी मिला था, IIT लखनऊ भी मिला था, ट्रिपल एम UT भी, लेकिन ट्रिपल एम के नज़दीक में ही मेरा घर है, ठीक है। तो मेरा पहला मानना ये था कि मैं हॉस्टल्स की फ़ीस और अन्य एक्सपेंस से बच जाऊँगा, ठीक है, इसलिए मैं ट्रिपल एम UT अपना चूज़ कर लिया, ठीक है, और इसका कोई विशेष कारण नहीं था। और सर ब्रांच के लिए आपने इलेक्ट्रिकल चूज़ किया? ब्रांच असल में मेरा डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल ही था, तो मैं अपनी ब्रांच अपग्रेड नहीं किया, हालांकि मेरे पास ऑप्शंस थे कि मैं CS में शिफ्ट हो जाऊँ, IT में शिफ्ट हो जाऊँ। सर ये भी क्वेश्चन था कि जैसे डिप्लोमा में हमारा ब्रांच अलग होता है और यहाँ पे आके हम कोई अलग ब्रांच ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल आप ले सकते हैं, क्यों नहीं, अगर आपकी स्कोर अच्छी है तो आप चाहें तो CS भी ले सकते हैं, IT भी ले सकते हैं, केमिकल मैकेनिकल किसी भी ब्रांच में आप जा सकते हैं, ब्रांच चेंज का ऑप्शन रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी कॉलेज में आप ब्रांच चेंज करके। सर ये जैसा कि गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेजेस का क्या है ना कि जैसे मान लीजिए अगर आप CUT लीड दे रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज मान के चलिए आपके पास ट्रिपल MUT हो गया, HBTU हो गया, है ना, और आपका IIT लखनऊ हो गया, KNIT सुल्तानपुर हो गया, BIT झांसी हो गया, फिर उसमें आपका और अगर नीचे जाए तो REC आ गया, ऐसे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आ गए आपके, REC अम्बेडकर नगर हो गया, REC टांडा हो गया, REC आजमगढ़ हो गया, REC बिजनौर हो गया, REC लखनऊ हो गया, तो इस तरह के कॉलेजेस आपको REC में मिल जाएंगे। और बाकी कुछ एडेड जैसे आप इलाहाबाद में देखेंगे तो आपको IIRT इलाहाबाद मिल जाएगा, वही BTEC कराता है, तो लीड के थ्रू आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। सर क्या आपको लगता है 2024 में कौन सी ब्रांच बेस्ट होगी? 2024 देखिए अभी तो रिसेशन का टाइम चल रहा है, तो CSIT में तो थोड़े प्रॉब्लम्स हैं अभी, लेकिन जब तक ये बच्चे एडमिशन लेंगे ग्रेजुएट होंगे तब तक रिसेशन खत्म हो जाएगा, तो CSIT में शिफ्ट होकर प्लेसमेंट मिल सकती है। सर और बात करें हम कॉलेज में आने के बाद काफ़ी चीज़ें जैसे कि कॉलेज सोसाइटीज वगैरह होती हैं, तो उसको हम असल में सोसाइटीज़ का क्या है कि सारी सोसाइटीज़ का लगभग फर्स्ट ईयर से बच्चों को उठा लेती हैं, तो सेकंड ईयर में कुछ सोसाइटी हैं जो ऐसे टेक्निकल सोसाइटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे रोबोटिक्स क्लब हो गया, ऐसे मैं ट्रिपल एम की बात करूँ तो अपने ट्रिपल एम में रोबोटिक्स क्लब हो गया, मैं जस्ट हाल ही फिलहाल में एक नया क्लब बनाया अपना ड्रोन और IoT का, है ना, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो टेक्निकल इवेंट होंगे आप उसको फ़ायदा कर सकते हो, उसे फ़ायदा पा सकते हैं, बाकी चीज़ें इलेक्ट्रिकल लैब वगैरह हैं वो भी, उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा, ये सारी सोसाइटी लीजिए जो टेक्निकल हो। सर ट्रिपल एम में एक नया ब्रांच आया है, आपको पता हो IoT, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? असल में पहले क्या था ना कि सिंपल यहाँ पे ECE चलता था, तो इसमें क्या होगा कि IoT जो है एक नया ब्रांच आ गया, पूरे 4 साल जो है आपको इसमें स्टडी करना रहेगा, तो जो चीज़ें आप ECE में पढ़ते हैं वो यहाँ भी पढ़ेंगे, बस आपको IoT में स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। ओके सर, सर इस समय क्या बोलना चाहेंगे प्लेसमेंट्स के बारे में, प्लेसमेंट को प्रीफर करें या गेट के तरफ जाएं? या देखिए अगर कोर ब्रांच से हैं आप, तो मैं बताऊं कि प्लेसमेंट्स का क्या है कि प्लेसमेंट्स आप देखिए कोर ब्रांचेस में प्लेसमेंट्स थोड़े कम होते हैं, ये तो रियलिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके कॉलेजेस में जो आपकी बैच होगा उसमें बैचमेट्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसमें से प्लेसमेंट लेना थोड़ा एक स्ट्रगल का काम हो सकता है ना, क्योंकि आजकल जनरली क्या है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे ज़्यादातर उस भीड़ में शामिल है, जैसे प्लेसमेंट ले लें कहीं जॉब कर लें। आजकल सर अभी रिसेंटली IITs का भी आया था कि 36% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट नहीं हुआ था। हाँ, क्योंकि असल में बच्चे उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि कोर ब्रांच से पढ़ के वो आगे बढ़ सकते हैं, वो गेट दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए चले जा रहे हैं, UPSC के लिए प्रिपेयर करने चले जा रहे हैं, तो ये थोड़ा एक है कि जो अच्छे बच्चे हैं वो उसमें नहीं बैठ रहे हैं, तो कुछ बच्चे जो हैं वो प्लेसमेंट्स पा जा रहे हैं, ये बेनिफिट मिल रहा है। सर हमारे कॉलेज में 2 साल से मतलब 2021 में बीफार्मा आया था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बीफार्मा भी बेस्ट है, क्योंकि आजकल सुनने में आया था कि हाल फिलहाल लोग तो बीफार्मा करने के बाद जो आप क्या करते हैं कि गांव पे अपने या फिर कहीं भी एक पर्चा बना सकते हैं आप ऐसे डॉक्टर की तरह, जैसे डॉक्टर पर्चा बना के लिखते हैं, तो वैसा भी आप जानकारी उसमें दे सकते हैं। यहां से करने का बेनिफिट, करने का बढ़िया है, बहुत अच्छा बेनिफिट है, स्कोप बड़ा बढ़िया है आपने ट्रिपल एम में, तो कॉलेज का नाम बहुत अच्छा है आपके पूरे ईस्टर्न UP में, ठीक है, और यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो आपका टेक्निकल नॉलेज भी रहेगा कुछ ना कुछ, और चीज़ें यहाँ पे हैं कि आपको मेहनत करके यहाँ पढ़ाया जा रहा है, ऐसा सर अभी रिसेंटली योगी आदित्यनाथ भी हमारे मुख्यमंत्री आए यहाँ पे, शिलान्यास किए उसके लिए, न्यू ब्लॉक जैसे भी फार्मा के लिए बनने जा रहा है, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा चाहे किसी तरह की चीज़ों में दिक्कत आएगी, बस नॉर्मली आपको बस काम करते चले जाना है इसमें और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सर अगर किसी बच्चे को IIT लखनऊ मिल रहा और ट्रिपल एम मिल रहा है तो उसमें आप अगर देखिए अगर आप गोरखपुर के आसपास नज़दीक घर है ना, अगर आपको गोरखपुर सिटी में घर है तो आप ट्रिपल MUT प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका घर जो है 70-80 किलोमीटर के रेंज में या 100 किलोमीटर के रेंज में आता है तो भी आपको रूम लेकर रहना ही पड़ेगा गोरखपुर सिटी में, और ऐसे ही आपको फिर IIT लखनऊ में भी रूम लेकर रहना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से आप IIT लखनऊ ही चुन लीजिए अगर आप गोरखपुर के रेसिडेंशियल नहीं हैं। सर कुछ गलतियां होती हैं कि फर्स्ट ईयर में आने के बाद बहुत सारे बच्चे करते हैं जो नहीं करना। हाँ फर्स्ट ईयर में क्या है ना कि जैसे बच्चा सब आ जाता है फर्स्ट ईयर में, उनके साथ दिक्कत क्या है कि वो स्टार्टिंग में आएंगे ढेर सारी सोसाइटीज़ में चले जाते हैं ना, ढेर सारी सोसाइटी ज्वाइन कर लेंगे तो उसे पढ़ नहीं पाएंगे, ऐसे उनके जो कुछ सब्जेक्ट्स बहुत टफ होते हैं कॉलेज, जैसे मैथ्स हो गया उनका ना, कि वो जो 12th में मैथ्स पढ़ के आया होता है थोड़ी उससे अलग यहाँ मैथमेटिक्स होती है, और अपने कॉलेज में तो मैथ्स की कॉपी या फिजिक्स की कॉपी बड़ा स्ट्रिक्टली चेक होती हैं,
ठीक है, आपको बुक्स पढ़नी पड़ती है, आप यूट्यूब वगैरह से पढ़ के जाते हैं तो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो कहीं इसीलिए गिर जाते हैं, इसीलिए बहुत सारे बच्चों का बैक मैथ्स में और फिजिक्स में काफ़ी बैक आ जाता है, तो उससे बचना पड़ेगा आपको। तो इसका मतलब है कि आपको जो है उन सोसाइटीज़ में जाइए जो आपके फ्यूचर में काम आए ना। अंडरगल अलग अलग सोसाइटीज़ में जाने का मेरे हिसाब से कोई उतना मतलब नहीं है, बस कुछ सोसाइटियाँ जो आपके लिए बेहतर हों, जिसमें आप समझते हैं उसका बेनिफिट मिले और पढ़ाई भी हो सके, वो आप ज्वाइन कर। थैंक यू सर इतने इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए। तो ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए, कार्बन काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस आने वाली है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।